हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का स्किल इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में। आप सभी लोगों को इंतजार है कि कब यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा, कब भाई एग्जाम होने वाला है और कब सुपर टेट आने वाला है। तो देखिएगा, आज स्पेशल हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर पीछे कि यूपी टेट की जो एक सूचना जारी की गई यूपी टेट को लेकर, और वो सूचना किसके द्वारा जारी की गई है अगर हम बात करें तो वो जारी की गई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा। यानी कि इसके द्वारा एक सूचना जारी की गई है, और वो सूचना क्या है कि यूपी टेट 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। यानी कि ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ऑफिशियल उन्होंने ट्वीट किया है, ठीक है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सर ये फर्जी है, ये ऑफिशियल है। और इसमें ये बताया गया है कि जल्द ही आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। अब वो कब जारी होगा वो अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आगे कुछ चीजें दी गई हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये कह रहा है कि आंकड़ों के मुताबिक, ठीक है, यानी आंकड़ों के मुताबिक, और यहां पर ये आप एक नंबर देख रहे हैं, ये है 21,65,000, ठीक है, यानी 179, ये कुछ आंकड़ा आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, जो लास्ट ईयर जो आपका यूपी टेट हुआ था, यानी इससे पहला जो यूपी टेट हुआ था, उस यूपी टेट में कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है। यानी लगभग हम मान के चलते हैं कि 21,50,000 लोगों ने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है। उनमें से प्राइमरी के कितने थे, तो प्राइमरी के 12,91,000 है यहाँ पर। तो हम मान के चलते 13,00,000 लोग आसपास, ठीक है, कि हम इसको राउंडअप अगर कर देते हैं 13,00,000 लोग। और अगर अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो 8,73,000, यानी हम मान लेते हैं कि 7,50,000 लोग यहाँ पर क्या हुए थे, ठीक है, क्या हुए थे, इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था। तो अभी इनका जो सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं किया गया था, तो अब आपको जल्दी इसका ये जो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा और कब आपके यूपी टेट के फॉर्म भरे जाएंगे। तो सुनिएगा, यूपी टेट के कब फॉर्म भरे जाएंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कब से यूपी टेट के फॉर्म भरे जाएंगे। देखिएगा, यूपी टेट के कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो अगर हम मान के चले, जिस प्रकार से आप इस ट्वीट को देख रहे हैं, इस आधार पर अगर हम मान के चले, तो आपके जो एक मैं एक संभावना बता रहा हूं, एग्जिट डेट तो नहीं कहूंगा कि इसी डेट से भरे जाएंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जो मार्च है, मार्च के लास्ट यानी मार्च के अंत में, या मार्च के अंत में कहें, या हम कहें अप्रैल के शुरुआत में, ठीक है, अप्रैल के प्रारंभ में अगर बात करें, अप्रैल के प्रारंभ में आपके यूपी टेट के फॉर्म जो है वो लगभग शुरू हो जाएंगे। अब एग्जाम कब होगा, तो देखिएगा, एग्जाम की अगर हम बात करें, पुरानी चीजों को अगर हम एनालिसिस करते हैं कि अभी तक जितनी बार यूपी टेट हुआ है, तो लगभग नोटिफिकेशन आने के बाद से एग्जाम में कितना समय मिला है, तो हम मान के चलते हैं 2 से 3 महीने, या कभी कभार तो 1 महीना भी दिया उन्होंने, कभी 2 महीने दिए, कभी 3 महीने भी दिए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो एग्जाम जो होगा, यानी यूपी टेट का जो एग्जाम जो होगा, यूपी टेट का एग्जाम, वो एग्जाम कब होगा, लगभग हम मान के चल रहा है कि जुलाई के आसपास आपका हो जाएगा, यानी जुलाई में आपका यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या सर सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा, देखिएगा, सुपर टेट की संभावना पूरी बन रही है, लेकिन मैं 100% के साथ ये नहीं कहूंगा कि आएगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि 2019 से सुपर टेट की कोई परीक्षा नहीं हुई है, और कई सारे कैंडिडेट जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं, और कई बार, ठीक है, बोर्ड के द्वारा यूपी टेट कंडक्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी तक सुपर टेट नहीं हुआ है। तो इस बार 2023 में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका सुपर टेट होगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर 21,00,000 लोग, ठीक है, मतलब हम आज की बात करते हैं, 21,50,000 लोग इसमें शामिल हुए थे, उसमें से कितने लोग यूपी टेट पास हुए। तो अगर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी में कितने लोग पास होंगे, तो प्राइमरी की अगर बात करें स्टूडेंट, तो लगभग हम क्या बात करते हैं, 5,00,000 के आसपास पास हुए थे, और अपर प्राइमरी में करीबन 2,50,000 लोग इसमें पास हुए थे। तो बात करते हैं ऐसे करके, अगर हम दोनों को मिलाया जाए तो कम से कम 8,00,000 लोग तो पिछली बार ही पास हो गए थे यूपी टेट में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों चीजों को मिलाकर। और इससे पहले कुछ कैंडिडेट और हैं जो क्वालिफाई हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, और इस कंपटीशन में आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन सियोर हो, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के पीछे भाग रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सभी सब्जेक्ट पर काम करना है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका जीएस वाला पोर्शन हो। जब तक आप एक प्रॉपर तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए बेटर यही है कि आप इंतजार मत करिएगा, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन कभी भी आएगा, ठीक है, और आएगा तब आपका सिलेक्शन सियर हो जाएगा, अगर आप आज से ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सिविल इंडिया का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वहां से जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बैच चल रहे हैं सारी टीम के द्वारा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक ही सब्जेक्ट दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस के साथ में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ में, ठीक है, एक नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत।